हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। तो कल दो वैकेंसी डाल दिया हूँ, तो पहले नोटिफिकेशन दबा दो। आजकल वैकेंसी बहुत आ रही है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज मैं बात करूंगा सबसे बड़ा आपकी प्रॉब्लम में, कमेंट करते रहते हो सर प्रेशर वर्क प्रेशर प्रेशर वर्क प्रेशर टारगेट ये क्या है, नौकरी से निकाल देंगे, बीएम अल्टीमेटम दिया, कलेक्शन नहीं हो रहा है दुनिया। देखो कुछ भी काम करोगे ना तो तुरंत कभी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और रिजल्ट मिलने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और टाइम हम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन साला सामने वाला एड़ा है। तो इसका अपन हल क्या करें? अपन देखिए, अपने सबसे पहले तो आप किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हो, किसी बैंक में जॉब करते हो, ठीक है। फर्स्ट दिन आप ये देख लो कि एनालाइज कर लो कि आप में जो वर्क दिया है आपको किस किस चीज़ में कमी आने वाली है, या आप क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते, ये नोट डाउन कर लो। मैंने कर लिया था, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट दिन में देखा कि जब मेरे को भेजा गया तो वो सामने सामने किस्त का बात कर रहा था कि वो उस समय क्या ऐप तो नहीं होते थे, ठीक है। उस समय इसी से करना पड़ता था, कैलकुलेटर से। तो फटाफट मेरा जो दो सीनियर था फटाफट कैलकुलेट कर लिया, सर इतने EMI पड़ेगा, इतना आप डाउन पेमेंट करोगे, इतना आपको लोन मिलेगा, फ्री फाइनेंस का बात था। तो फटाफट कर दिया, सामने सामने निकाल दिया उसका EMI, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, फटाफट कर दिया। तो फट से कस्टमर फंस गया। तो मुझे डाउट, मैथ्स का मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ों में अच्छा था, लेकिन मैथ्स में बहुत कमज़ोर था, ठीक है। तो मैं बोला कि ये पॉइंट बाकी सब तो मैं कर लूँगा, कन्विंस कर लूँगा, पैसा ले आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फटाफट वाला कम कर, ज़्यादा कर, मोटा कर, पतला कर, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कभी मैंने अपना हावी होने भी नहीं दिया। मैं जब भी फील्ड पर निकलता था 4-5 स्कीम लेके ही निकलता था, जिससे मुझे मिलना रहता था उनसे मैं 5-4-5 स्कीम निकलना लेके ही निकलता था, 5-6 इंस्टॉलमेंट इतने में उसी को लेके बता देता था मैं। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर धीरे धीरे मैं सीख गया। तो फर्स्ट अपनी प्रॉब्लम देख लो, क्या मैं कमी किस में है, मेरे सेल्स में कमी है, मेरे कम्युनिकेशन में कमी है, मेरे किस चीज़ में कमी है, ये कमी आप निकाल दो। आपको कंप्यूटर में कमी है, कंप्यूटर में आपको वो चीज़ नहीं आती जो यहाँ ज़रूरत है, तो उनको दूसरे पर निर्भर करना छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं उस दिन बोलता कि नहीं यार ये साथ में है, अभी काटेंगे करेंगे, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा उसको बुला लूँगा, साथ में तो रहता है, तो फिर मैं काम नहीं कर पाता, फिर मैं अकेले फील्ड में डरता कि यार वो नहीं रहेगा, कोई पूछ लिया, ये कर लिया। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कर लो। आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आप फाइनेंस में जॉब कर रहे हो, आप कलेक्शन में कर रहे हो, आप इवन किस में कर रहे हो, अपने मेरे को जो जो दिक्कत होने वाली है क्या उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। प्रिपेयर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, सीधा बात मैं बात है, मैं एक बैट्समैन हूँ, ठीक है, एक फास्ट बॉलर है ना, मैं प्रिपेयर हूँ, मैं फास्ट बॉलिंग खेलता हूँ, तो मैं प्रिपेयर में खेल लूँगा। अगर मैं मुझे फास्ट बॉलिंग से डर लगता है तो मैं अनप्रिपेयर हूँ, ठीक है। तो यही उसको दूर करना है, वो क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो आपको अभी फाइनेंस में टाइम देगा नहीं, आपको टाइम मिलेगा मिनिमम 1 मंथ का टाइम मिलेगा, कोड आया आपके ऊपर प्रेशर टारगेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिना फिर आपको पैसा किस बात की दे रही है, आपको सोचो एक कंपनी पैसा दे रही है 19,000, 20,000, 10,000 पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के दे रही है, तो काहे के लिए दे रही है आपको? सीधा बात है, बिजनेस करने प्रॉफिट करने के लिए दे रही है। अगर आपको क्या कलेक्शन में सैलरी मिल रहा है, आपको 15,000, 16,000, 20,000 प्लस पेट्रोल मिल रहा है, तो आपको क्यों दिए, ताकि आप कलेक्शन लेके आओ ना। आप वहाँ से ये मतलब कि सर वो नहीं दे रहा है, नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पा रहा है तो कलेक्शन की क्या होगा ज़रूरत है आप लोगों की, जॉब मैं क्यों दूंगा यार, हैं, नहीं हो पा रहा है जब लोगों से, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, मतलब कंप्यूटर में ऑनलाइन करा देता हूँ, कस्टमर डालेगा नहीं, तो मैं वैसे डूब गया, ये है ना। लेकिन आपको भेजा है, आपको जॉब में रखा है, एक सेटिस्फाइड जॉब दिया है आपको, और कॉर्पोरेट जॉब है, लॉन्ग लाइफ जॉब है, ये कंपनी नहीं है तो दूसरी कंपनी में, ठीक है। और आप लोग बहुत सोचते ये बहुत हैं कि ये क्या होगा, देखिए कोई कंपनी आपकी पहली नहीं, कोई कंपनी आपकी लास्ट नहीं, ये एक मूल मंत्र है कॉर्पोरेट का, प्राइवेट जॉब का कोई फिक्स नहीं। कब, अरे लोग यार 60-60 साल में दूसरी कंपनी में जंप किए हैं, जियो में जो भी आए ना, जियो के जो वो दूसरी कंपनी छोड़े हैं, अभी 62 ईयर्स उनका कुछ चल रहा है, ठीक है। इतने बड़े बड़े सेगमेंट में यही होता है। तो प्राइवेट कंपनी में जॉब की अपॉर्चुनिटी है,
यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, बैंक नहीं तो फाइनेंस, NBFC नहीं तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं तो ये पॉलिसी, भटेर जॉब है आपके पास में, ठीक है। एक बस आपको वर्किंग रहना है, जहाँ अब आपने वर्किंग छोड़ दिया ना तो प्रॉब्लम हो स्टार्ट होता है, लेकिन आप कंटिन्यू वर्किंग है, इस कंपनी जम की, इस कंपनी जम की, अरे 10 में से एक कंपनी तो जमेगा आपको, है 10 में से एक कंपनी का राहु केतु तो नहीं होगा आपके के लिए 10 कंपनी में एक कंपनी का BM अच्छा होगा, 10 कंपनी में एक स्टाफ अच्छा होगा, तो ये मत सोचो आपकी यही मेरी लास्ट जॉब है, इसके बाद मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी यार, मैं कैसे करूँ, यहाँ सब परेशान करने वाले हैं, BM परेशान करता है, ये परेशान करता है, सब मेरे पीछे पड़े हैं, कोई मतलब हेल्प नहीं करता, मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, किसी के पास टाइम भी नहीं है, और टाइम होगा भी तो आपको एक दो बार बताएगा, उसके बाद नहीं करने वाला, आपकी हेल्प आपको खुद करना है। आज इंटरनेट है, गूगल है, कि हम लोग समय तो कुछ भी नहीं था, कुछ पूछना पड़ा, फ़ोन भी नहीं थे, टावर भी नहीं थे उस समय, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फ़ोन करने के लिए हमको जाना पड़ता था कस्टमर को छोड़ के, फिर आया तो कस्टमर का आया, ऐसे ऐसे हम रात कहाँ गुजारते थे सोचो, हैं। तो अभी तो नेट है, एक मैसेज कर दिया सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ आ गया, चलो वो नहीं दे रहा है पैसा, सर ठीक है मैं अपने BM से बात करा देता हूँ, या अपने कलेक्शन हटे आप फेस टू फेस बात कर लीजिए, मेरे को मत बोलिए, देखो कितना परेशान कर, वो फ़ोन कर दिया यार कैसे तुम्हारा नहीं दे रहे, जी सर हो जाएगा, तब बराबर दे देगा पैसे तेरे को, तो अब और आपके कलेक्शन मैनेजर को लग जाएगा नहीं लड़का गया था यार, बात करा है, काम कर रहा है, यही तो चाहिए उनको ना। और टारगेट क्या है, देखो टारगेट क्या है आपका, आप क्या लोन कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी लोन कर रहे हो, चाहे बाइक लोन कर रहे हो, फाइनेंस में आप कमर्शियल लोन कर रहे हो, पर्सनल कार व्हीकल कर रहे हो, CV दुनिया भर का बिजनेस लोन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को पकड़िए, फालतू 100 लोग से मिलने की ज़रूरत नहीं है, डेली 10 टारगेटेड ऑडियंस को पकड़िए, है ना। टारगेट ऑडियंस मैं किसको बोलता हूँ, सिंपल बात, कार लेगा तो ऑफिस वाला लेगा, कोई बिजनेसमैन लेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब वाला लेगा, ठीक है, कमर्शियल गाड़ी है तो तुरंत बात है, कोई सरदार लेगा या कोई ठेकेदार लेगा, बिजनेस लोन कौन लेगा, गरीब लोन लेगा जिसको बैंकिंग से नहीं मिलती है, वो आप लोग अमीर के बीच भगते हो, क्यों लेगा, उसके पास तो 80 गल्ले में पैसा छुपा कर रखा है, उसको बैंक एक बार में दे देगी, वो क्यों लेगा, ठीक है, वो बोल के बोलेगा मेरे से ले ले भाई, मेरे को कितना देगा पूछेगा, ये गोल्ड लोन है तो गोल्ड लोन के कस्टमर ढूंढो, कहाँ गोल्ड लोन के, महिलाएं रखेंगी भी, या फिर कौन रखे जिसका पति पिता खाता है उसको पकड़ो, ला तेरी बीवी का गोल्ड रखाते रखा ऐस, तो ढूंढो अपना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कोई काम करना गलत करना नहीं है, तो हर चीज़ का टारगेट ऑडियंस है, ट्रैक्टर होगा तो कौन लेगा, गाँव खेड़ा जम घुसो, अब शहर ट्रैक्टर के लिए शहर में घुसते रहोगे तो क्या 2 ट्रैक्टर आपको मिलेगा महीने में, लेकिन वही गाँव घुस जाओगे तो 10 ट्रैक्टर का इंक्वायरी मिल जाएगा, इंक्वायरी आपके पास रहना चाहिए, है ना। आप अगर 3 महीने आपको टाइम मिला है तो 3 महीने में आप फर्स्ट मंथ छोड़ दो, 2 मंथ में कम से कम आपके पास में 50-60 इंक्वायरी होना चाहिए कि ये लेने वाला है, ये सेकंड हैंड लेने वाला है, ये फर्स्ट हैंड लेने वाला है, रीफाइनेंस करने वाला है, ये फलना, ये बस इन्हीं को चक्कर फ़ोन करते रहना सर कर ले रहे हो, सर क्या हुआ आपका वो, तो 60 ही आपको में से आपको पास में से फाइनेंस कराएंगे, इसमें से यही लोग आपको टारगेट पूरा करेंगे, और इन्हीं से आगे बढ़ते बढ़ते आपका टारगेट पूरा पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट काम मैं आपको बता दिया, अपनी कमजोरी पहले हटा लो, डिपेंड मत रहो, आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, आपको लिखने की प्रॉब्लम है, आपको फाइल भरने की प्रॉब्लम है, सबको दूर करो। मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसको हीरो फाइनेंस में जॉब लग गया, हीरो फाइनेंस क्रॉप में, तो मुझको फ़ोन करने लगा, सर ऑनलाइन में को फॉर्म भरने नहीं हो रहा है सर, बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रेशर, कस्टमर खड़े हो जाते हैं और मैं ऑनलाइन काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर नॉलेज है तुमको नहीं है, है सर लेकिन ये फाइनेंस का मुझको क्या डालना है, किसमें क्या डालना है, किसमें क्या डालना है, उसका नॉलेज नहीं है, और वहाँ पर कस्टमर छूट जा रहे हैं, मेरे को ऑफिस से कह रहा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ सर बोल के, तो मैं बोला नहीं यार तुम 2 दिन रुको, 1 हफ्ता रुको, मत करो फाइनेंस, तुम छोड़ के जाने वाले हो ना काम को, तुम जॉब ड्राइव कर रहे हो, मेरे लिए 1 महीना काम कर लो, मत करना फाइनेंस, 1 को करना बोला मैं, 10 अपना इंसेप्ट मत देखो, मत कम तुम काम सीखो, नहीं होता है 1 महीने बाद तुम खुद छोड़ देना, सैलरी लेके निकल जाना, बिल से लेके निकल जाना, लेकिन 1 महीना मैं ले जॉब कर लूँ। उसने 15 दिन में सीख गया, कुछ रहता नहीं है, अपन को डरते हैं बस, है ना, तो उसने 15 दिन बिल्कुल फाइनेंस नहीं किया, नहीं है सीखा, एक आदमी को करता था उसमें भी 2 दिन लगाता था, 1 आदमी को बाइक फाइनेंस करने में 2 दिन, लेकिन सीख गया काम उसने, आज फटाफट कर लेता है सब कुछ है। तो यही होता है, जब हम काम सीख जाएंगे, और उसके बाद सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, सेविंग करो, ठीक है। सैलरी आई सीधा आपके पास, इंसेंटिव आया, मिला के आपके पास मंथली 20,000 में हो गया, ठीक है, 20,000 में, तो अभी आप सिंगल हो, फैमिली है, जैसे फैमिली है तो 5,
या तीन सेव कर लो, ठीक है, और सिंगल हो तो सीधा 15, नहीं तो 15 नहीं तो 13, ठीक है, 7-2 हज़ार और मैं आपको दे देता हूँ नाश्ते पानी के लिए। ये जब आपके पास बढ़ते जाएंगे ना, जब आप 7 महीना काम कर लेंगे तो देखेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ठीक है, अकाउंट देखेंगे यार 90 हज़ार रुपये अकाउंट में, चलो करता हूँ 1 लाख बना लेता हूँ, फिर 1 लाख बनाने के चक्कर में आप 2 लाख बनाना चाहेंगे, ऐसे करते करते टाइम कब बीतता है, कब क्या लाख आ जाए, कब किधर क्या हो जाए, कोई नहीं बोल सकता, कब मैजिक चल जाए लाइफ का। एक बार प्लेटफॉर्म चाहिए आदमी को, एक रास्ता चाहिए, एक मौका चाहिए, अरे हर आदमी एक मौका ढूंढ रहा है, जो अमिताभ बच्चन को मिला, जो शाहरुख को मिला, जो धोनी को मिला, वो है सिर्फ एक मौका। सब इतने बड़े बड़े आदमी हुए हैं, आपके सीनियर, आपके आसपास, आपके आपके आजू बाजू, एक मौका, गवर्नमेंट जॉब भी एक मौका मिला, कोई बिजनेसमैन चल गया एक मौका मिला, कोई ठेकेदारी करता था आपका दोस्त, काम अच्छा चलने लग गया, घर गाड़ी खरीद लिया, एक मौका मिल गया, आपको भी एक मौका मिल गया, जो जॉब का, ये एक कंपनी का जॉब का नहीं बात कर रहा हूँ, कि जॉब करने का आपको एक मौका मिल गया है, तो करते रहो जॉब, यहाँ करो 2 महीना, नहीं उधर करो, जहाँ परेशानियाँ हो वहाँ डायरेक्ट काम कर दो, यहाँ दिमाग पे हेडेक लेके नहीं काम नहीं करना किसी के पास, ना काम अच्छा हो पाएगा ना आप अच्छे हो पाओगे, ठीक है, हम तो कभी हेडेक लिए ही नहीं है, हम तो पैसे के पीछे इतने बोलने थे, पैसा आ रहा है ना जेब में, पैसा टाइम पे आ रहा है ना बोलने, तो क्या है यार बीएम क्या बोल लेगा आपको, टारगेट पूरा नहीं है बोल के सुबह मीटिंग में सुना गई ना, निकाल दूंगा, ठीक है भाई, जब निकालने के पहले ऐसा भी कोई नहीं निकालेगा, नहीं नहीं निकालेगा आपको, ट्रांसफ़र करेगा, टर्मिनेट करने का नहीं है सर, ठीक है ना, अब बोले सर ठीक है सर मैं मगर नहीं कर पाता हूँ सर, आप बिल्कुल मेरे को टर्मिनेट मत कीजिएगा, मेरे को बोलिए मैं खुद रिज़ाइन दे दूँगा जिस दिन आप बोलेंगे, ठीक है, करते रहो काम, करते रहो काम, आ जाए सीख जाए बढ़ जाए, क्या देखा, मेहनत धीरे धीरे उभरती है, हीरा तराशने से बनता है, सोला भी गर्म होने से सोना बनता है, ऐसे ठंडा ठंडा में कुछ नहीं होता है, तो होप आपके लिए जॉब प्रेशर बिल्कुल मत लेना, कुछ भी तकलीफ है तो यार नंबर दे चुका हूँ आपको, प्रेशर ऐसे कभी रहता है तो मुझको फ़ोन कर लिया करो, लेकिन फ़ोन बिल्कुल टाइमिंग से किया करो दोस्तों, आप मुझको शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन किया करो, या फिर मुझको आप 10 बजे के बाद 10 से 11 एक घंटा आप कॉल कर सकते हो, फिर उसके बाद दिन में मैं बिज़ी रहता हूँ, फिर शाम को मैं 7 तक बिल्कुल आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, उठा भी नहीं पाता हूँ, मैसेज का जवाब मैं बहुत लेट दे पाता हूँ, बहुत मैसेज आते हैं प्लस, ठीक है, तो मैं आपको 7 से 10 तक का इतना टाइम देता हूँ, 7 से 10 तक आप शाम को मुझको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और वर्क प्रेशर दूर करेंगे, और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, सबको हम चूर चूर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शाबाश दोस्तों।